कि 6 साल से देश का पूरा शोषण हो रहा है, 6 साल से पूरा शोषण हो रहा है, धंधे चौपट, बेरोजगारी, सब कुछ, किसी के पास कुछ नहीं बचा, लड़कियां उठ रही हैं, किडनैप हो रही है, गैंगरेप हो रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे? उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है, हम लोग उनको लात मार के हटाएंगे। घटिया सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार। कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और किसी को इस्तीफा देना चाहिए और अपने मठ में वापस जाना चाहिए हमको। जब से इस देश के अंदर 2014 से भाजपा की एनडीए सरकार ने हुकूमत संभाली है, तब से इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था जो है बेपटरी हो चुकी है, युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, महिला सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए भटक रही है, और उसी तारतम्य में आज उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है। हाल ही में किसान विरोधी जो कृषि बिल भाजपा के द्वारा लाया गया है, यह पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों की जमीनों को हड़पने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है भाजपा का। भाजपा जो ब्राह्मण मणि ठाकुरों की, विशेषकर पूंजीपतियों की सरकार कही जाती है, और पूंजीपतियों के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए नीतियां बनाती है। बहुत सारे सांसद जो आज इस देश से भाग चुके हैं, जिसमें विजय माल्या बीजेपी के राज्यसभा के सांसद थे, वह भी हजारों रुपए का घोटाला करके कालाधन लेके यहां से भाग गए। तो हम ये देखते हैं कि भाजपा की जो नीतियां है, इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाने की नीतियां है, उसे बेरोजगार बनाने की नीतियां है, अशिक्षित और अज्ञानता में धकेलने की नीतियां है। अभी तक दिया क्या मोदी सरकार ने, क्या दे रही है वो बताओ, आप बताओ ना, कोई इंसाफ देती है, गंदे गंदे बिल पास कर देती है, किसानों को भूखा मार रही है, लड़कियों की मौत हो रही है, क्या चाहिए हमें? इंसाफ चाहिए हमें, हटाओ मोदी सरकार की। हमें चाहते हैं मोदी सरकार भी हटे और योगी जी भी हटे, हमें चाहिए ही नहीं। मनीषा वाल्मीकि जैसे बहुत सी महिलाओं बेटियों की जो निर्मम हत्या और गैंगरेप देश में हर जगह घटित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही खंडवा में, खरगोन में और कटनी में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की भाजपा सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, गैंगरेप हुआ, और उनका परिवार न्याय के लिए जो है दर दर भटक रहा है। तो ऐसे हालात में किसानों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, दलितों की विरोधी यह भाजपा सरकार, सामंतवादी सोच वाली सरकार को एक्सपोज करने के लिए और बहुजन समाज को इस देश में वास्तविक हक अधिकार और न्याय दिलाने के लिए यह बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन रोडों पर है। मनीषा वाल्मीकि पाकिस्तान की बेटी है क्या? तो वादा करो आज से, जो लोग मनीषा वाल्मीकि के समर्थन में नहीं आए, आज से तुम न तो हिंदू वाहिनी में काम करोगे, न तुम बजरंग दल में काम करोगे, न तुम आरएसएस में काम करोगे, न तुम भाजपा में काम करोगे। यही समय होता है, कहां मर गए हो भाजपा के लोग, कहां मर गया आरएसएस के लोग, कहां मर गया बजरंग दल के लोग, जो हमें मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष और यहां एक दो क्षेत्र का आवंटित करके हमें अध्यक्ष प्रत्यक्ष बनाकर चले जाते हैं। मैं जिसके दिमाग में गलत फहमी भरी पड़ी है, खासतौर से ज्यादातर युवा मेरे वाल्मीकि समाज के हिंदू वाहिनी या आरएसएस से जुड़े या बजरंग दल से जुड़े बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आज हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, आप लोगों ने उनसे पूछताछ नहीं की, आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया कि जब हमारी बहन के साथ गलत हुआ है तुम लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हो? हम सब समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान जब करेंगे, जब ये हमारी बहनों के सम्मान में और दोषियों को फांसी दिलवाने के लिए हमारे साथ सड़कों पर आएंगे। अपने तालीम का सम्मान नहीं करेंगे, जब यार इज्जत सबके घर की होती है, क्या इन्हीं के घरों की इज्जत है? कसम खाओ तुम्हें महर्षि वाल्मीकि भगवान की सौगंध है कि आज के बाद किसी भी हिंदूवादी, किसी भी हिंदू मानसिकता के संगठन में काम नहीं करोगे। ओबीसी महासभा अपना विरोध दर्ज करती है, जैसा कि वर्तमान में हाथरस में जो पीड़ित के परिवार है उनसे मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, विपक्ष के जो नेता लोग हैं, उन लोगों को भी किसी भी प्रकार से उनके करीब में नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी ओबीसी महासभा निंदा करती है। साथ ही वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जब से 2014 से भारत देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार भारत देश में ओबीसी, दलितों, बहुजनों, आदिवासियों के साथ में लगातार अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है और लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। इसके अलावा हम सभी देख रहे हैं कि भारत देश में विगत दिनों से ना ही युवाओं के लिए कोई रोजगार
पैदा किया जा रहा है, ना ही किसानों के लिए कोई नीति बनाई जा रही है। वर्तमान में जो कृषि बिल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए आने वाले समय में बहुत हानिकारक होगा। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा हम सभी साथी लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में ओबीसी दलितों और बहुजनों के साथ में अत्याचार बंद नहीं होगा तो आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी ओबीसी वर्ग करेगा। देश में राष्ट्रपति का शासन लागू होना चाहिए। शर्म की बात है आपकी, आप एक शेम 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 कि आप कह रहे हैं कि वो मरी हुई लड़की जिसकी जबान कटी हुई थी वो झूठ बोल रही थी, ये कहना चाहते हैं आप कि वो लड़की झूठ बोल रही थी? शर्म आनी चाहिए उन्हें। अजय सिंह की बेस्ट उफ ढोंगी बाबा का इस्तीफा होना चाहिए और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। गुस्सा इसलिए है क्योंकि अन्याय किया जा रहा है। न्याय देने की जगह पीड़ितों को, पीड़ित के परिवार के जो लोग हैं उनको डरा धमका जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है। आज सिर्फ जो है पीड़ित परिवार बंधक नहीं, आज देश की न्याय व्यवस्था जो है बंधक है, न्याय बंधक है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता।